जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए, वृद्धा को उसका पुत्र ही कर रहा है परेशान, आए दिन गाली गलौज करता है बदतमीजी। 50 वर्षीय वृद्ध विकलांग व विधवा महिला है, उसका छोटा पुत्र वीरेंद्र श्रीवास्तव जो कि यूपी रोडवेज में विकास नगर डिपो कानपुर में संविदा परिचालक के पद पर कार्यरत है। पुत्र वीरेंद्र एवं उसकी पत्नी प्रतिभा लगातार वृद्धा के साथ बुरा बर्ताव कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। पति स्वशून्य होरी लाल श्रीवास्तव रेलवे से सेवानिवृत्त हुए थे। पत्नी के पति के द्वारा लिए गए घर श्रमिक कॉलोनी सर 01276 बाबूपुरवा में छोट पुत्र के साथ निवास कर रही है। पुत्र धीरेन्द्र ने प्रेम विवाह श्रीमती प्रतिभा के साथ 2009 में किया था। पुत्र अपनी माँ को भूखा रखते व खाना पानी नहीं देते थे। पड़ोसी वह बड़ा पुत्र है, झगड़ा फसाद करते हैं। पत्नी प्रतिभा के साथ मिलकर माँ को बड्डी भद्दी दो गालियां देते हैं और मारत पीटते हैं और कहते हैं कि जहर देकर मार डालेंगे उसको, उसके घर से निकालने की फिराक में है। पुत्र अपनी पत्नी प्रतिभा के साथ मिलकर प्रार्थिनी यूनाइटेड मार्केटल बैंक शाखा किदवई नगर के बैंक खाते में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक में स्वयं प्रार्थना पत्र देकर संयुक्त खातेदार के रूप में अपना नाम अंकित करा लिया और समय समय पर सारी धनराशि निकाल कर लिया करते हैं। प्रार्थिनी ने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना प्रेषित किया और S0D0M0 सदर की कोर्ट में बेदखली का बाद सितंबर 2019 में दाखिल किया तो वीरेंद्र ने अपनी पत्नी से दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रार्थिनी के विरुद्ध घरेलू हिंसा का वाद दाखिल करा दिया। प्रार्थिनी ने समय समय पर प्रार्थना पत्र अधिकारियों को प्रेषित किया परंतु वीरेंद्र एवं उसकी पत्नी ने धन बल व रोडवेज कर्मचारी का प्रभाव जमाते हुए कोई कार्यवाही नहीं होने दी। बुरी तरह मारा, कृपया मुझ 80 वर्षीय वृद्ध एक विकलांग महिला की मदद करें और वीरेंद्र एवं प्रतिभा से छुटकारा दिलाए ताकि माँ अपना अंतिम समय शांति से व्यतीत कर सके। संवाददाता अर्पित गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है, इन्हीं का हक है, इनकी सेवा करो तब तुमको कुछ मिलेगा। अब नहीं तो बुढ़िया बिस्तर उठाओ यहाँ, चलो जाओ। मेरा नाम शकुंतला श्रीवास्तव। क्या मामला है आपका? हमारा मामला, छोटा बेटा बहुत परेशान करता है, उसने लव मैरिज की है और कहते पैसा ऐसा देते छीन लेते हैं, कहते खाना सामान मंगाओ, खाना क्या खाओगे तुम। अच्छा, क्या मारपीट भी करता है आपके साथ? कल बहू ने ऐसे करके कोहनी बहुत जोर से मारी, कील पड़े। क्यों मारता है आपको? क्यों मारता है? घर से चली गई, घर से निकालने की धमकी दे रहा है। तो ये आपके साथ में कब से ये मारपीट हो रही है, कब से ये घटना हो रही है? अरे ये 2019 से 21 सितंबर शनिचर से। अभी तक आपने इसकी शिकायत कहीं पे की है? कहीं शिकायत की, कहीं कहाँ की है, कहाँ बता रहे हैं, इसमें कोर्ट में मुकदमा चल रहा है लड़के के खिलाफ। हाँ। क्या नाम है लड़के का? वीरेंद्र श्रीवास्तव। बहू का क्या नाम है? प्रतिभा। आप जो हमारे घर में आ गई तो प्रतिभा श्रीवास्तव हुई, चाहे कोई हो। क्या करते बहू और बेटा, दोनों मारपीट करते? नहीं, वो कहता है मार इसको। तो थाना बाबूपुरवा में आपने शिकायत की तो वहाँ पुलिस ने कोई कार्रवाई की बेटे के ऊपर? कुछ कोई कार्रवाई नहीं की, समझा के उसको चली गई कि अब इनको परेशान मत करना।